नारायण श्रीहरि। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम गच्छ सदा। डॉक्टर अमित राय जैन जी द्वारा लिखित अयोध्या अतीत और वर्तमान इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, प्रख्यात पत्रकार बलबीर पुंज जी और प्रशांत जी जो इस पुस्तक के प्रकाशक हैं। गोविंद देव गिरि जी को भी मैं सुन रहा था, लोकेश जी ने तो बड़े जोश में और सबके समय सीमा मुझे लगता है कि 12:45 पे इस कार्यक्रम को पूर्ण होना था और 12:48 पे मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अयोध्या अतीत, मैं इस विषय के बाहर कतई नहीं जाने वाला। अयोध्या का अतीत, और मैं सिर्फ 500 वर्षों के अतीत की चर्चा करूंगा। वेदों में अयोध्या कहाँ है, पुराणों में कहाँ है, वाल्मीकि रामायण की अयोध्या क्या है, ये पुरानी बात है। ये गाथा के रूप में गाई जा सकती, लेकिन जिस दर्द को, जिस पीड़ा को लेके 495 वर्ष अयोध्या जी है, उस अयोध्या का अतीत यह था कि उस अयोध्या के आसपास के जो गांव थे, जब बाबर के सेनापति ने, बाबर ने आदेश दिया मीर बाकी को कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ दो, और मंदिर तोड़ा जाने लगा तो बगल में बाबू के पुरवा के नाम से 101 गांवों का समूह था और वो राजपूतों के गांव थे। सारे राजपूत लड़ने के लिए चले गए और वो जो राजपूत लड़ने के लिए गए मारे गए, परंतु घर में जो छोटे बच्चे बचे थे और माताएं बची थी अतीत के अयोध्या में, उन माताओं ने कहा कि तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है तब तक तुम न सर पर पगड़ी रखोगे न अपने पाँव में जूते पहनोगे जब तक कि अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि मुक्त नहीं हो जाती है। और उस अयोध्या में 101 गांव के राजपूत बाबू के पुरवा के पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन यह संकल्प अतीत की अयोध्या ने सदैव याद रखा। और जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच का निर्णय आया, तब 11 नवंबर को उस गांव के राजपूतों ने पाँव में जूते कैसे होते और सर पर पगड़ी कैसी होती, ये अयोध्या का अतीत था, संघर्षों का। उस अतीत का एक हिस्सा यह भी था कि उन 101 गांव के जो पुरोहित थे पंडित देवीदीन पांडे, जब उन्हें पता चला कि अरे हमारे तो यजमान मारे गए, 70,000 के हिंदुओं की सेना गठित की, सेना लेकर के निकल पड़े, हजारों मुगलों का वध किया, अंत में एक तलवार आकर के लगी सर पर, सर 2 भाग में फटा और गमछा कमर से निकाला, सर को बांधा और सर फटने के बाद भी हजारों लाशें गिराई। ये अयोध्या का अतीत था। अयोध्या कभी शांत नहीं बैठी अपने स्वाभिमान को लेके। 492 वर्षों का संघर्ष, 76 बार का संघर्ष सदैव चलता रहा। उस अयोध्या का जो 76वां का संघर्ष था, जिसे हम 1949 से जानते हैं और कोर्ट में मुकदमेबाजी के रूप में जानते हैं। अयोध्या की पहली FIR भी उसके अतीत में निहंग सिखों पर हुई है कि इन लोगों ने मूर्ति रख दी, इसलिए FIR हुई है। अयोध्या का अतीत यह है। अयोध्या का अतीत ऐसा है कि आपने शायद उस अयोध्या को नहीं देखा है जिस अयोध्या को बचपन में हमने देखा है। उस अतीत में कि कोई साधु अपनी खिड़की से बाहर झांकता हुआ नहीं मिलता, भय के मारे शाम को उसके दरवाजे बंद हो जाते। उस अयोध्या में कभी आपको चाय पीने की इच्छा हो जाए, भूख लगी हो और किसी दुकान पे पहुंच जाए तो दुकानदार की इतनी हैसियत नहीं थी कि बना बनाया सामान रखता हो और अयोध्या के अंदर लोग आएंगे इसके कारण कुछ तैयार माल उसकी दुकान पर मिले। ये अयोध्या का अतीत था। हम खुद बैठे हैं, हमने पैसा दिया तो पैसे से जाकर के बेसन लाता था, तेल लाता था, पकौड़ी बनाते थे, फिर चाय बनाता था और वो चाय बेचता था। ऐसी दुकानों को संभवतः विनोद बंसल जी ने भी देखे होंगे, कार सेवा के दौरान आलोक जी ने भी देखे होंगे उस अयोध्या को। तो अयोध्या का ऐसा अतीत जिसे कानून के शिकंजे में कस करके श्री राम जन्मभूमि के संपूर्ण आंदोलन का राजनीतिकीकरण कर दिया गया। अयोध्या तो ऐसे जी है कि सपा बसपा के राज्य सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में अयोध्या की नालियां साफ ना हो जाएं, इसलिए नगरपालिका को कोई बजट नहीं देना है, यहां मच्छर लगते रहे, ऐसी अतीत की अयोध्या है। अयोध्या का अतीत ऐसा है कि आज भी, मैं कहूं अंग्रेजी का एक शब्द है लिविंग स्टैंडर्ड, तो अयोध्या के साधुओं का आज भी कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है। भेड़ के कंबल बिछा करके, भेड़ के बाल का जो बना हुआ कंबल होता है उसे बिछा करके अयोध्या का साधु सो जाता है, आज भी उसे कोई अपेक्षा नहीं है। कफन वाला जो कपड़ा होता है उसी के 3 टुकड़े करता है, एक से कौपीन, ये घुटने के ऊपर लपेटा हुआ, ये कंधे पे डाला हुआ। अगर अयोध्या के आंदोलन के इतिहास में आपकी रुचि हो, उस अयोध्या के अतीत में रुचि हो, तो 5 अप्रैल 1986 सरयू की रेती में जो पहली रैली विश्व हिंदू परिषद ने की, 1986 में श्री राम जन्मभूमि के लिए महंत रामचंद्र दास परमहंस के शरीर पर पड़ा हुआ कपड़ा अयोध्या के अतीत की कहानी बता देगा कि लाखों के भीड़ के सामने संबोधन देने वाला एक बड़ा धर्माचारी, जिसने मानस प्रतिवाद भयंकराचार्य की उपाधि से विभूषित ये जो संत है, इस संत के शरीर पर ठीक से कपड़े भी नहीं है। अयोध्या के अतीत को जानना है तो जब संतों के पास, कुछ बड़े संतों के पास, जो कांग्रेस के डर से संत बोल नहीं सकते थे, लेकिन श्रद्धेय अशोक सिंघल जी अगर आंदोलन के दौरान जाते थे तो तेरी झोली कहाँ है, उस झोली में कुछ पैसे चुपचाप डाल देते थे कि अयोध्या के आंदोलन में काम आएंगे। ऐसे संतों को भी मैं जानता हूँ। अयोध्या का अतीत अगर आपको जानना है तो उस आंदोलन के लिए तिल तिल करके जलाने वाले बाबा अभिराम दास से जानिए, रामचंद्र दास परमहंस जी से जानिए। अगर जानना है तो पहले जगत गुरु रामानंदाचार्य शिव रामाचार्य जी से जानिए, उस आंदोलन के इतिहास से। और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए संवैधानिक मर्यादाओं में बंधे हुए अटल बिहारी वाजपेयी के उन कष्टप्रद शब्दों से जानिए अयोध्या के अतीत को कि जब रामचंद्र दास परमहंस जी की अयोध्या में चिता जल रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा भागा हूं कि जो शिलादान में स्वयं शिला नहीं ले सका, मेरा प्रतिनिधि शिला लिया और श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण की आस अपने कलेजे में समेटा हुआ एक साधु चला गया, जो मेरा बाल सखा भी था, मेरा मित्र भी था और एक बड़ा साधु भी था। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि न्यास का कार्यकारी अध्यक्ष भी था, वो दुनिया से विदा हो गया और मैं उसे आश्वासन भी नहीं दे सका कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। उस अयोध्या के अतीत में से आज हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या का वर्तमान, आज नालियां भी बन रही हैं, सड़क भी चौड़ी हो रही है अयोध्या की, सीवर लाइन भी बिछ रही है अयोध्या में, रेल का भी दोहरीकरण हुआ है उस अयोध्या में। उस अयोध्या में एयरपोर्ट भी बना है, जो 30 दिसंबर को संभवतः पहली फ्लाइट उतरने वाली है। अयोध्या का वर्तमान ऐसा है और अब एक नए प्रकार के नैरेटिव की दुनिया में हम जा रहे हैं, जहां कुछ नैरेटिव वामपंथियों के द्वारा, जो अतीत से ही राम जन्मभूमि की नहीं, किसी भी मंदिर निर्माण के विरोधी थे, सोमनाथ हो, राम जन्मभूमि हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, जो सबके विरोधी थे, नया नैरेटिव लेकर के बाजार में आए हैं कि मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा। एक नैरेटिव लेकर के आए हैं कि मंदिर से रोजगार मिलेगा। तो मैं उनकी याददाश्त के लिए बता दूं कि श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण पूर्ण हुआ और निर्माण होने के बाद 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 एक वर्ष के दौरान 3.5 करोड़ पर्यटक गोवा गए और 10 करोड़ तीर्थयात्री काशी आए। 7 करोड़ लोगों ने काशी में निवास किया है, विभिन्न धर्मशाला होटलों में रुके हैं। और काशी में मैं व्यक्तिगत लोगों की बात नहीं, लेकिन जो आर्थिक इंडेक्स जो लोग लेके आए हैं बताया कि 1 वर्ष में 25,000 करोड़ का व्यापार काशी में बढ़ा है। ये काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का परिणाम है। अयोध्या में जब नापे जाते थे कि भाई राम, अयोध्या का सबसे बड़ा पर्व क्या है, तो रामनवमी। तो रामनवमी पे कितने लोग आ रहे हैं, तो 1 लाख 2 लाख लोग आ रहे हैं। अक्सर विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यक्रम अयोध्या में हुए वो कार्तिक महीने में होते थे। शिलान्यास 9 नवंबर का, वो भी कार्तिक देवोत्थान एकादशी थी। जो भी परिक्रमा हुई तो लोग जो बड़ी मात्रा में आए, सोचा जाता था कि अयोध्या से जो जुड़ाव हो वो लोग अयोध्या आए और अयोध्या की जो आर्थिक स्थिति है कुछ मेलों के कारण ठीक हो जाए, ये अतीत था। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि आज 50,000 लोग, वो 10 करोड़ को 365 दिनों में, सिर्फ उसमें एक शिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, 2 पर्व काशी के, अन्यथा प्रतिदिन के आप बराबर के भाग में विभाजित कर सकते हैं कि काशी कितने लोग आ रहे हैं। और जो काशी आ रहे हैं वो अयोध्या जा रहे हैं और भविष्य में हम ये कहने की स्थिति में हैं कि जो अयोध्या आएंगे वो काशी जाएंगे। ये स्थिति अयोध्या की होने वाली है संख्या बल के कारण। और ये अगर उत्तर प्रदेश के 3 कॉरिडोर काशी, मथुरा और अयोध्या का त्रिकोण, जिस प्रकार मथुरा का भी सर्वे प्रारंभ हुआ है, अगर यह शुरू हो गया तो जिन लोगों के मन में यह भ्रम है कि मंदिर रोजगार नहीं देते, मंदिर से ज्यादा रोजगार, मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था से बेहतर दुनिया के अंदर किसी संप्रदाय के पास कोई व्यवस्था नहीं है। और मंदिर सिर्फ हिंदुओं के, ब्राह्मण पुजारी हो सकता है लेकिन माली तो ब्राह्मण नहीं है। जो फूल माला बतासा, वहां के धूप दीप अगरबत्ती बेचने वाले से लेके बनारस जाने वाले लोग, बनारस के भांति भांति के सामान खरीदने वाले लोग, ये तो कोई ब्राह्मण नहीं है। लेकिन ब्राह्मण विरोध के नाम पर मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था को, आपने कभी सोचा कि मुगलों ने मंदिर ही क्यों ध्वस्त किए? तो उसके मूल में कारण यह था कि मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था थी, इसलिए ध्वस्त किए गए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अयोध्या के कानूनी पहलुओं से एक अपनी दृष्टि से डॉक्टर अमित राय जैन जी ने इस पुस्तक के माध्यम से कानून की दृष्टि से, मंदिर की दृष्टि से अयोध्या को देखने का प्रयास किया है। और अयोध्या को अतीत और वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि के उस अतीत के संघर्ष में अगर एक बात मैं नहीं कहूंगा तो शायद पूरी बात अधूरी रह जाएगी कि जिन लोगों ने अयोध्या का अतीत, यह भी था कि बड़ी रैलियों में लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों ने राम के होने के प्रमाण मांगे 90 के दशक में, और राम है ही नहीं इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किए गए। शपथ पत्र के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है राम का अस्तित्व नहीं है। ये अयोध्या का अतीत है। और अयोध्या का वर्तमान ये है कि उस भंडारे में खाने के लिए विपक्ष चिल्लाए रहा है कि मुझे न्योता क्यों नहीं दिया। अयोध्या का अतीत यह भी है कि श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मंदिर निर्माण न हो, 5 अगस्त का भूमि पूजन रुक जाए, इसके लिए राहुल गांधी अपने यार साकेत गोखले से हाई कोर्ट में कोरोना की आड़ में भूमि पूजन रोकने का मुकदमा दायर करवाते हैं। कुछ ये सो कॉल्ड भीमवादी नवबौद्ध, मैं इनको एंटी नेशनल, और इनके बारे में मेरी धारणा साफ है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के टूल किट है। ये लोग भी कोर्ट गए थे कि अयोध्या तो बौद्धों का है। हमने कब कहा कि अयोध्या सिर्फ सनातनियों का है, अयोध्या सिर्फ हिंदुओं का है? हमने तो कहा कि राम राष्ट्र पुरुष है, अयोध्या तो सबका है। अयोध्या को स्वीकार तो करो। लेकिन अतीत में जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किए, आज वो भी न्योता मांगने की लाइन में खड़े हैं। ये अयोध्या का एक अतीत भी था, अयोध्या का ये एक वर्तमान भी है कि जिस श्री राम को जिन लोगों ने नकारा, आज वो श्री राम के अस्तित्व की तो बात छोड़िए, वो विपक्ष की राजनीति करते हुए भी बोलने की मना स्थिति में नहीं है। इस परिवर्तन के मूल कारण में पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मैं श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में जो समस्त जिन लोगों ने आत्माहुति दी, शरद कोठारी, राम कोठारी से लेकर के मैं कहूँगा श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु डालमिया जी से लेकर के जिन्होंने, जिन संतों ने भी इस संपूर्ण आंदोलन में बलिदान दिया, ये बलिदान अयोध्या का अतीत था। और वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर भारत राष्ट्र के मंदिर के रूप में खड़ा होगा। ये अयोध्या का वर्तमान है। नारायण श्री हरि।